मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं जीएमएस बितरनवाटार चंदवा लातेहार की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास विषय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अध्याय 2 जिसका शीर्षक है आरंभिक समाज करेंगे। तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है जिसे आज हम लोग करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है आखेटक या खाद्य संग्राहक। आदि मानव को आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा गया क्योंकि वह शिकारी का जीवन व्यतीत करते थे और जंगल से फल फूल वगैरह इकट्ठा करके खाता खाते थे। उसके बाद में आखेटक का उनका जो है वो जीवन ज्यादातर एक जगह से दूसरे जगह घूमने में ही बीता, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से वे एक स्थान पर नहीं टिके रह सकते थे, जैसे शिकार के खोज में या जंगली फल फूल के खोज में वे एक स्थान से दूसरे जगह जाते रहते थे, और जल के स्रोत के खोज में भी वो अपने स्थान को बार बार चेंज करते थे। और दूसरा आपका पॉइंट है उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल। जो आदि मानव थे वे कंदराओं में एवं गुफाओं में रहते थे, और क्या होता था कि जहां पे वे रहते थे वहीं पे अपने औजार बनाते थे पत्थर के, और वैसे उस स्थान को जो है सो उद्योग स्थल कहा गया। फिर आपका तीसरा है पाषाणकालीन औजारों के निर्माण। पाषाण काल में आदि मानव जो थे, पाषाण काल प्राचीन काल को ही कहा गया, जिसमें कि वे पत्थर के औजार बनाते थे, जिसके लिए दो विधि इस्तेमाल करते थे। पहले विधि में वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा करके औजार बनाते थे, और दूसरी विधि में वो दबाव विधि या वलय विधि में क्या करते थे कि एक नीचे वाले पत्थर पर कुछ खास आकार के औजार या हड्डी का निश्चित आकार रख देते थे, और ऊपर से भारी पत्थर से दबाव दे करके और फिर नीचे वाले पत्थर को औजार का रूप प्रदान करते थे। फिर आपका चौथा नंबर है, तीसरा नंबर है पाषाणकालीन औजार हो गया, सॉरी चौथा नंबर है वस्त्रों का निर्माण। तो वस्त्र क्या होता था कि आदि मानव पत्तों के पहनते थे या फिर शिकार किए हुए जानवरों के जो खाल होते थे उसके पहनते थे ठंड में, और जब ठंड खत्म हो जाता था तो जो खाल के कपड़े होते थे उसे वो फेंक देते थे क्योंकि उसमें बदबू आ जाता था। उसके बाद में आपको पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां से आदि मानव से संबंधित जो है सो अवशेष मिले हैं, जिसका अध्ययन करके हम आदि मानव के जीवन के बारे में जान पाते हैं। और उसके बाद में 6 है आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। तो पूरा स्थल से ही हमें आदि मानव से संबंधित बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, जैसे उनके मकान है, निवास स्थान है, जैसे गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, मिट्टी के बर्तन के पात्र हैं, या पाषाण युग के औजार हैं, या शैल चित्र हैं, ये सारे स्रोत हैं जिसका अध्ययन करके हम आदि मानव के जीवन के बारे में जान पाते हैं। फिर है आपका आग की खोज। आग की खोज क्या होता है कि कहा जाता है कि पाषाण काल में जब औजार बनाते थे वे लोग पत्थर से, तो पत्थर टकराने के दौरान चिंगारी निकला और जंगल में सूखे घास पत्तों में आग लगा, जिससे कि रोशनी हुई, गर्मी पैदा हुई और आदि मानव को आग का पता चला, और इस तरह से उन्होंने आग का आविष्कार किया, जिसके लिए वे ज्यादातर चकमक पत्थर का इस्तेमाल करते थे आग पैदा करने के लिए। फिर 8 नंबर है आपका जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप जो है सो घास के मैदानों का निर्माण हुआ और घास खा के जीवित रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी, और आदि मानव ने भी उसी समय जानवरों को पालतू बनाने का सोचा, क्योंकि वे जो जानवर है उनके जीवन काल के बारे में, जीवन चक्र के बारे में जान पाए, उनका प्रजनन का समय ये सब वगैरह जान पाए, और वे उन्हें जो है सो पालतू भी बना पाए। उसके बाद में है शैल चित्रकारी। क्या होता था कि आदि मानव जो है सो जब गुफाओं में आराम करते थे तो अपने मनोरंजन के लिए गुफाओं के दीवारों पर चित्रकारी करते थे, जिसमें वे बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाते थे, या फिर आपको शिकार करते हुए मनुष्य का चित्र बनाते थे, या फिर आपको जो है सो जंगली वनस्पति का चित्र बनाते थे। तो इस तरह से शैल चित्रकारी आज भी देखा जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका में, बिहार में राजगीर में, आपको महाराष्ट्र में अजंता अलोरा में। और उसके बाद में 10वां पॉइंट है आपको पाषाण काल के चरण। तो पाषाण काल के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण है आपको पूरा पाषाण काल, जिस जो कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का काल को कहा जाता है, और इसी समय आदि मानवों ने आग की खोज की थी। उसके बाद में दूसरा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है सो 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। और तीसरा आपको नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल जो है सो 10,000 साल से लेकर के आपको 10,000 पहले से लेकर के 4,000 पहले तक के समय को कहा जाता है। और इसी समय आदि मानवों ने पहिए का भी आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि किसी ऊंचे स्थान से लकड़ी की पेड़ की किसी टुकड़े को उन लोगों ने टकरते हुए देखा होगा और उनके दिमाग में
पहिया बनाने का आइडिया आया होगा और फिर उन्होंने बाद में लकड़ी के तख्ते को जोड़ करके पहिया बनाया, जिसमें वो मिट्टी के पात्र बनाते थे चाक के रूप में और फिर सूत काटने का काम करते थे और बाद में वो लकड़ी का गाड़ी बना करके भी पहिए का इस्तेमाल करने लग गए। अब आपका है 11th पॉइंट, जिसमें कि भारत के विभिन्न स्थलों पर पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, ये बारे में बात करना है। यहाँ पे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि ओडिशा। ओडिशा में मयूरभंज है जहाँ से कि पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भीमबेटका से मिला है। फिर आपका राजस्थान, राजस्थान से दिदवाना में मिला है पूरा पाषाणकालीन औजार। फिर गुजरात, गुजरात में हिरान घाटी से मिला है। फिर आपका है छोटा 12th पॉइंट है, जिसमें कि आपका छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण की बात हम करेंगे। छोटा नागपुर मतलब आपका झारखंड, जो हमारा स्टेट है, जैसे कि क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 करके है, तो यहाँ पे उपकरण है या स्थान है या युग है कि दो स्थान कौन सा है। झरिया का कोरला खान से मिला है, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले मिले हैं जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद में चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाट है, वहां से चाकूनुमा धारदार पत्थर मिले हैं, वो जो नवपाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद में आपका है बूढ़ाडीह तमाड़, तमाड़ से मिला है सुंदर कुल्हाड़ी जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। फिर है बसिया गुमला में है, तो गुमला से तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है जो कि ताम्र युग से संबंधित है। तो ये 12th पॉइंट्स आपके अभ्यास 2 में पढ़ने हैं जो चैप्टर है अभ्यास 2। उसके बाद में आपका एक व्यक्ति है जो ब्लू इमाम जिनका नाम है, उन्होंने झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर को संजोने के लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बहुत ही प्रयास किया। उन्होंने उसके लिए विदेशों में प्रदर्शनी भी लगवाया है आदिवासी जनजाति के जो कला एवं धरोहर है उसके उसका, और उसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स फिल्म भी बनाए हैं। तो और उनके इस कार्य के लिए उन्हें 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से आपका अभ्यास 2 चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।